हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा रंजन सहाय। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया उठने में, तो मैं उठा तो देखा अभी बारिश हो रही है और आज लड्डू का स्कूल भी था, लेकिन बारिश से के छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यहाँ पर देखिए मेरे घर की हालत, हर रोज़ नाइट में ऐसी हो जाती है और मॉर्निंग में मुझे उठ के ठीक करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से लग जाते हैं अपने डेली रूटीन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगी ब्रश, और उठते के साथ पहले मैंने पिया था एक गिलास गुनगुना पानी, और फिर मैं इसके बाद करने आ गई हूँ ब्रश। ब्रश वगैरह करने के बाद, अच्छे से फेस वॉश करने के बाद खुद को एनर्जेटिक करना भी ज़रूरी होता है, ताकि दिन भर जो हम काम करें तो हमें एनर्जी मिलती रहे। फेस वॉश करने के बाद एक अलग ही फ्रेश फ्रेश फील होता है। और यहाँ पर मैंने उन दोनों की दूध की बोतल जो है उसे बॉईल होने के लिए रख दी थी। जब तक मैं ब्रश कर रही थी तो वो भी बॉईल हो चुका था। और यहाँ पर फटाफट से अब उठा लेते हैं उन्होंने जो भी सामान खिलौना वगैरह छीटे हैं, तो उनको उनकी जगह पर रख देते हैं और फिर हम लगाएंगे झाड़ू। तो फटाफट से घर की क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह के काम में लगेंगे। तो फटाफट से झाड़ू लगाते हैं, और झाड़ू अभी भी झाड़ू लगाते लगाते में ही मुझे 2-4 खिलौने मिल चुके थे। तो बच्चों का यही होता है ना, बस खेलो और फिर उन्हें इधर उधर जहाँ तहाँ मन वहाँ घुसा देते हैं। तो बस हमारा तो डेली का यही काम होता है हाउसवाइफ का, घर समेटो, घर सजाओ और फिर डेली वही काम बच्चों का घर में फैलाते रहो खिलौना। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने झाड़ू लगा दिया है, और मैं आपको इस रूम का इसलिए दिखा रही हूँ कि दूसरे वाले रूम में हस्बैंड और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने उनको नहीं उठाया है। तो मैं चुपके से वहाँ पे झाड़ू पोछा करके आ गई हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ का शूट नहीं किया, इस वाले रूम का और बाहर का शूट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा घर जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, और यहाँ पे छोटू जो है वो भी उठ चुका है। तो बस अब उन लोगों को दूध देना है, तो दूध वगैरह पीने के बाद मैंने उन्हें नहला दिया है। तो बस अब इन्हें रेडी करके और फिर मैं भी जाऊंगी नहाने। तो देखिए मैं लड्डू को रेडी कर रही हूँ, तो छोटू भी अपने कपड़े लाके दे रहे हैं रेडी होने के लिए। तो दोनों नहा चुके हैं और फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, नहा लिए दोनों, और अब इनको कराना है नाश्ता। तो पहले फटाफट से इनको रेडी करते हैं। और गाइस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे जितना हो सके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और हम ताकि हम लोग एक बड़ी सी फैमिली क्रिएट कर सके। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी फ्रेंड्स। सो गाइज, अभी यहाँ पे बज रहे हैं 8:30 और मेरा पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने बस कपड़े वगैरह धो लिए और फिर मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो अब नहाने के बाद फटाफट से रेडी होते हैं और फिर चलते हैं किचन में, देखते हैं पतिदेव क्या खाएंगे, तो उनसे पूछते हैं। वैसे कल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्होंने नाश्ता करने से मना कर दिया, तो फिर इस वजह से मैं देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का ही बनाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो खाएंगे ब्रेड और चाय, तो फटाफट से मैंने एक तरफ रख दिया है चाय बनने के लिए। तो देखिए मेरी इधर चाय बन रही है, और दूसरी तरफ में जो ब्रेड है उनको तवे पर घी या रिफाइंड ऑयल, आप जिस जो भी खाते हैं उसको लगा के सेक सकते हैं।
तो मैं तो रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि बच्चे घी लगा के नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैं रिफाइंड ऑयल लगा के सेक दूँगी और फिर हम लोग फटाफट करेंगे नाश्ता। तो गाइस, मैं आप लोगों के साथ आज अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा मॉर्निंग का रूटीन तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मेरा डेली का रूटीन यही होता है, सुबह क्लीनिंग, फिर उसके बाद नहाना और फिर किचन में नाश्ता बनाना। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ताकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होता है कि हाँ हमने अच्छा वीडियो बनाया, कि कैसा बनाया। तो ये देखिए, हस्बैंड जी का नाश्ता रेडी हो चुका है और फिर हस्बैंड नाश्ता करके निकल चुके हैं ऑफिस जाने के लिए। तो बस उसके बाद फिर हम लोग भी बैठ गए हैं नाश्ता करने। तो बस मेरा व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, ताकि मैं और कुछ अच्छा क्रिएट कर सकूँ।